हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। वेलकम है आपका इंडियन पीसी वॉर्स के एपिसोड नंबर 132 में। इंडियन पीसी वॉर एक ऐसी सीरीज है जहां पर आप लोग अपना सेटअप सबमिट करते हैं और हम उसे अपने चैनल पे फीचर करते हैं। अगर आप भी यहां पर पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हैं तो यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट द इंडियन पीसी वॉर्स बिगिन। But before that, this video is sponsored by tibgstore.co.in। अगर आप यहाँ पर चीप में पीसी पार्ट्स या प्रीबिल्ट पीसीज खरीदना चाहते हो तो आप tibgstore.co.in को चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको रैम, प्रोसेसर, गेमिंग कीबोर्ड सारे के सारे पेरिफेरल्स बहुत ही चीप प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं जाकर चेक कर सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है प्रसन्न महापात्रा, जो कि 23 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई ने कितना धांसू सेटअप बिल्ड कर रखा है। यहाँ पर जो मेन चीज है वो है इनकी आरजीबी थीम और इनका धांसू वॉलपेपर। वॉलपेपर देखकर ऐसा मालूम होता है कि बंदा शायद बाइकर है और बहुत ही अच्छी स्पोर्ट बाइक भी ओन कर रखी है। ओवरऑल अगर इनके सेटअप के बारे में बताऊं तो भाई इनका सेटअप बहुत ही बेसिक है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इतने कम स्पेस पे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह सारी चीजें मैनेज कर रखी है। आरजीबी थीम जो यहाँ पर इन्होंने यूज करी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है और सेटअप के अक्रॉस इन्होंने क्लीननेस भी बहुत ही अच्छी मेंटेन कर रखी है। ओवरऑल आप देख सकते हो टेबल टॉप पर ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन सारी चीजें उन्होंने काफी अच्छे से लगा रखी हैं और स्पेस को काफी अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। यहाँ पर ये लैपटॉप बेस्ड सेटअप यूज कर रहे हैं तो सारी की सारी चीजें इन्होंने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखी है। नौ बात कर लेते इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर यूज कर रहे हैं एसर का 24 इंच का FHD मॉनिटर। माउस यहाँ पर कोई लोकल ब्रांड का है, कीबोर्ड यहाँ पर फिंगर का है, स्पीकर यहाँ पर क्रिएटिव के यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके लैपटॉप के स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं इंटेल का i3 6th जनरेशन बेस्ड लैपटॉप, 8GB की रैम है और ग्राफिक्स यहाँ पर इनको iGPU मिल जाता है। ओवरऑल अगर CPU परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो भाई इनको यहाँ पर जो CPU परफॉर्मेंस मिलता है वो बहुत ही बेसिक है। और वही बात आती है अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की तो इस PC पे केवल GTA Vice City और San Andreas जैसे गेम ही केवल खेल पाते होंगे। अगर बात करें मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं इनको कोई भी सजेशन नहीं देना चाहता। यहाँ पर जितनी भी चीजें थी वो उन्होंने काफी अच्छे से मेंटेन कर रखी है, यहाँ पर इनको कोई भी अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है। थैंक यू प्रसन्ना पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकंड कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम है उमर राज जो कि 18 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो बंदा यहाँ पर प्री बिल्ड OEM बेस्ड PC यूज कर रहा है। यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर जो इनका टेबल है ना वो इतना ज्यादा छोटा है कि आप समझ सकते हो कीबोर्ड रखने के बाद छोटा सा एक OEM PC रखते हैं और इनका टेबल खत्म हो जाता है। इवन कीबोर्ड है ना वो टेबल के साइड से थोड़ा सा लटक भी रहा है। बात करें सेटअप के बारे में तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने अपने बेड के बिल्कुल बाजू में ही सेटअप बिल्ड कर रखा है, जो कि काफी अच्छी पोजीशन होती है। सेटअप यूज करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर ये सो भी जाते होंगे। ओवरऑल सेटअप के बारे में बताऊं तो बंदे ने क्लीननेस और केबल मैनेजमेंट पर काफी ज्यादा फोकस किया है। फ्रंट से आपको बहुत ही कम वायर देखने को मिलते हैं और बंदे ने क्लीननेस बहुत ही अच्छी मेंटेन कर रखी है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर यूज कर रहे हैं डेल का 1080p रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर। माउस और कीबोर्ड भी डेल का कॉम्बो है, स्पीकर यहाँ पर ये MI वाले बेस हेडफोन ये यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके PC स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं इंटेल का कोर i3 4th जनरेशन बेस्ड PC, 4GB की रैम और ग्राफिक्स इनको केवल iGPU ये देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर बात करें CPU परफॉर्मेंस की तो यार i3 4th जनरेशन इनको बहुत ही बेसिक लेवल का CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और वही बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की तो इस PC पे ये केवल GTA San Andreas जैसे गेम ही केवल खेल पाते होंगे। एट देन अगर बात करें मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं केवल इनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लो प्रोफाइल वाला GT 1030 ले सकते हो तो आपको जरूर लेना चाहिए, आप इस PC पे तब GTA 5 जैसी गेम इजिली खेल सकेंगे। थैंक यू उमर पार्टिसिपेट करने के लिए। थर्ड कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम है दीप केवाद्या जो कि 21 साल के ग्राफिक डिजाइनर और स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना तो भाई बंदे ने बहुत ही अच्छी जगह सेटअप बिल्ड कर रखा है। यानी कि आप देख सकते हो बालकनी के बगल में इन्होंने एक डेस्क बनवा रखी जो कि वॉल माउंटेड है और दरवाजा खोलते साथ ही इनको बाहर का व्यू देखने को मिल जाता है। तो मॉर्निंग में यहाँ पर PC यूज करने में ना इनको काफी मजा आने वाला है। बात करें ओवरऑल सेटअप के बारे में तो आप देख सकते हो जो इनके टेबल है ना वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। पूरा का पूरा टेबल इन्होंने वॉल माउंट करवा रखा है और फाइनल लुक जो मिलता है इनको वो बहुत ही क्लीन होता है। हालांकि इनके सेटअप में मुझे एक चीज बहुत ही अजीब लगी कि UPS इन्होंने ऊपर पता नहीं क्यों रखा हुआ है, जो कि काफी अजीब लुक इनको प्रोवाइड करता है। UPS अगर ये नीचे साइड पे रखते ना तो और भी क्लीन लुक ये अचीव कर सकते थे। और वही अगर बात करें हालत इनके कैबिनेट के अंदर की तो कैबिनेट के अंदर बंदे ने काफी अच्छा काम किया है। ब्लैक फ्लैट केबल वाला PSU यूज करने की वजह से फाइनल लुक जो मिलता है इनको वो बहुत ही क्लीन होता है और बंदे ने क्लीननेस भी काफी अच्छी मेंटेन कर रखी है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर यूज कर रहे हैं HP का 24 इंच का 75 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर। माउस और कीबोर्ड यहाँ पर ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब्वार कॉम्बो यूज कर रहे हैं, स्पीकर यहाँ पर एंकर का है। वही बात करें इनके PC स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं MD का Ryzen 5 3500X,
8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे GT710 ये यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इनको CPU परफॉर्मेंस मिलता है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। और वही बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की तो GT710 पे ये बिल्कुल ना के बराबर गेमिंग कर पाते होंगे। एट देन अगर बात करें मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं केवल इनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार जब यहाँ पर आपके ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस नॉर्मल हो जाए ना, तब यहाँ पर आप GTX 1650 सुपर या इवन 1660 सुपर जैसा ग्राफिक्स कार्ड जरूर लेना चाहिए। तब यहाँ पर जो आपको ग्राफिकल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो बहुत ही सॉलिड होगा। थैंक यू दीप पार्टिसिपेट करने के लिए। फोर्थ कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम है देवंजन दास जो कि 16 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो बंदे ने काफी नीट और क्लीन सेटअप बिल्ड कर रखा है। पहली चीज यहाँ पर आप इनके सेटअप में देखते हो, जो यहाँ पर ये टेबल यूज कर रहे हैं ना वो इनके फर्नीचर के साथ काफी अटैच है और काफी सीमलेस लुक प्रोवाइड करती है। बंदे ने यहाँ पर जो सेटअप बिल्ड किया है वो ओवरऑल पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा है। यहाँ पर इन्होंने सेटअप को डेकोरेट करने की काफी कोशिश करी है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड पे इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट के बॉक्सेस लगा रखे हैं जो कि इनके एम्प्टी स्पेसेस को फिलअप कर देते हैं। आप देख सकते हो सेटअप के अक्रॉस बंदे ने केबल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम किया वो काफी अच्छा लग रहा है। केबल को हाइड करने की इन्होंने काफी कोशिश करी है, हालांकि इन्होंने नीचे जो कैबिनेट लगा रखा है ना वो थोड़ा सा उल्टा रख दिया है, दैट इज वाई वायर्स का जितना भी बड़ा गुच्छा है वो बिल्कुल मिडल पे आ जाता है। अगर कैबिनेट को थोड़ा सा घुमा के रखते हैं तो और भी क्लीन लुक अचीव कर सकते थे। वही बात करें अगर हालत इनके कैबिनेट के अंदर की, तो भाई कैबिनेट के अंदर इन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है, केबल मैनेजमेंट इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है और क्लीननेस बहुत ही एवरेज मेंटेन है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर यूज कर रहे हैं डेल का 20 इंच का मॉनिटर, माउस यहाँ पर ईवो फॉक्स का, कीबोर्ड यहाँ पर कॉस्मिक बाइट का, स्पीकर यहाँ पर लाइव टेक का यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके पीछे स्पेक्स के बारे में, तो यूज कर रहे हैं इंटेल का पेंटियम G4400, 8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे IGPU ही यूज कर रहे हैं। तो बात करें अगर CPU परफॉर्मेंस की, यहाँ पर इनको CPU परफॉर्मेंस बहुत ही बेसिक मिलता है। और वही बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो इस पीसी पे केवल ये सैन एंड्रियास जैसे गेम ही खेल पाते होंगे। एट दिन अगर बात करें मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं इनको कोई खास सजेशन देना नहीं चाहता, तो जैसा पीसी आप यूज कर रहे हैं यूज करें, बाकी इन फ्यूचर अगर आप नया पीसी बिल्ड कर सकते हो तो आपको जरूर करना चाहिए। थैंक यू देवयान पार्टिसिपेट करने के लिए। फिफ्थ और लास्ट कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, क्या नाम है रुशील गोयाल जो कि 14 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो बंदे ने काफी नीट और क्लीन सेटअप बिल्ड कर रखा है। पहली चीज मुझे इनके सेटअप में जो सबसे अच्छी लगी है वो है इनकी कलर थीम। यहाँ पर ब्लू और व्हाइट कलर की इन्होंने टेबल बनवा रखी है और पूरा रूम व्हाइट कलर से पेंट कर रखा है, तो फाइनल लुक जो देखने को मिलता है वो बहुत ही क्लीन होता है। वो बात अलग है कि बंदे ने केबल मैनेजमेंट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, इस वजह से लुक ना थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है, लेकिन स्टिल ओवरऑल जो कलर थीम यहाँ पर देखने को मिलती है वो बहुत ही अच्छी है। स्पीकर जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक वाले हैं, लेकिन स्टिल RGB रिंग देखने को मिलती है जो कि इनके सेटअप में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर प्रोवाइड कर देती है। और फिर उसी लिहाज से इन्होंने अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड वॉलपेपर भी सेट कर रखा है। वही बात करें टेबल टॉप के बारे में, तो आप देख सकते हो टेबल टॉप पर बंदे ने क्लीननेस जो है वो काफी अच्छी मेंटेन कर रखी है। क्लीनेस को और भी बढ़ाने के लिए माउस और कीबोर्ड को इन्होंने नीचे ड्रॉअर पर रखा हुआ है। माउस और कीबोर्ड जिस तरह से रखा हुआ है देखकर लगता है कि बंदा लेफ्टी है और वो यहाँ पर माउस पैड भी यूज कर रहा है। वही बात करें अगर हालत इनके कैबिनेट के अंदर की, तो भाई कैबिनेट के अंदर ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, यहाँ पर जैसा भी लुक देखने को मिलता है वो ठीक ठाक है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर यूज कर रहे हैं एसर का 18.5 इंच का HD रेडी मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड यहाँ पर HP का कॉम्बो, स्पीकर यहाँ पर ज़ेब्रोनिक्स के ये यूज कर रहे हैं। वही बात करें अगर इनके पीसी स्पेक्स के बारे में, तो यूज कर रहे हैं इंटेल का कोर i3 सेकंड जनरेशन बेस्ड पीसी, 8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे ये यूज नहीं कर रहे हैं। तो एट दिन अगर बात करें CPU परफॉर्मेंस की, यहाँ पर इनको CPU परफॉर्मेंस जो मिलता है वो बहुत ही बेसिक है। और वही बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यार इस पीसी पे ना केवल ये सैन एंड्रियास जैसे गेम ही खेल पाते होंगे। एट दिन अगर बात करें मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं केवल इनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अपने पीसी पे लो प्रोफाइल वाला GT 1030 लगा सकते हो तो आपको जरूर लगाना चाहिए, तब यहाँ पर आप इस पीसी पे ना थोड़ी छोटी मोटी गेमिंग कर लेंगे। थैंक यू रुशील पार्टिसिपेट करने के लिए। वेल तो दोस्तों ये थे हमारे कंटेस्टेंट, आपका जो भी फेवरेट कंटेस्टेंट था आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और जिस भी बंदे को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा विनर होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू,